नमस्कार दोस्तों, सेहत और जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। गुड़हल का पौधा वैसे तो एक साधारण सा पौधा होता है, लेकिन यदि इसके गुणों को देखा जाए तो वह बहुत ही खास होते हैं। हमारे भारत में गुड़हल के फूल का बहुत महत्व है। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सेहत की दृष्टि से भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। गुड़हल कई तरह की बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद होता है, तो आइए इस वीडियो में हम आपको गुड़हल के फायदे और किन परिस्थितियों में इसके नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। सर्दी जुकाम में फायदेमंद। गुड़हल में अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। जब चाय या अन्य रूपों में इसका सेवन किया जाता है तो यह सर्दी और खांसी के लिए काफी फायदेमंद होता है। यदि आप अक्सर सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं तो गर्म पानी में इसे उबालकर इसकी चाय पीनी चाहिए। गुड़हल की पत्तियां खांसी को दूर करने में बहुत ही उपयोगी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। शरीर की कई बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। गुड़हल की पत्तियां शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाती है। गुड़हल की चाय को हर्बल चाय, कॉकटेल या काढ़े के तौर पर लिया जाता है। इसके फूलों को सुखाकर उसकी हर्बल चाय बनाई जाती है। इन सूखे फूलों को पानी में उबालकर चाय तैयार की जाती है। कॉकटेल के लिए इसमें ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े मिलाए जाते हैं। इस चाय के सेवन से मोटापा भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा यह मेमोरी और एकाग्रता भी बढ़ाता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही यह दिल के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। मासिक धर्म में फायदेमंद। इसकी पत्तियां मेनोपॉज और मासिक धर्म में बहुत ही फायदा करती है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म सही समय पर नहीं आता, उन्हें गुड़हल की पत्तियों की चाय पीनी चाहिए। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को इसकी पत्तियों को सुखाकर गर्म पानी के साथ पीना चाहिए। चेहरे को चमकदार बनाएं। एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और विटामिन सी से भरपूर गुड़हल की पत्तियां चेहरे की झुर्रियां और दाग धब्बों को खत्म करने में मदद करती है। इसके लिए आप इसकी पत्तियों को पानी में उबाल लें और पीस कर शहद के साथ मिलाएं तथा चेहरे पर लगाएं। आपका चेहरा न केवल चमकेगा बल्कि रूखापन भी दूर होगा। गुड़हल की पत्तियां एंटी एजिंग का भी काम करती है। यह शरीर से फ्री रेडिकल्स को हटाता है और त्वचा को खूबसूरत बनाता है। बालों के लिए लाभकारी। बालों के झड़ने की समस्या से लगभग हर कोई परेशान है। गुड़हल की फूल इस समस्या को दूर करने में बहुत ही कारगर है। ये न सिर्फ बालों का झड़ना रोकते हैं बल्कि इसके इस्तेमाल से एक अलग ही शाइनिंग बालों में नजर आने लगती है। गुड़हल की 6 से 8 पत्तियों को लेकर अच्छे से पीस लें। इसे सिर और स्केल्प में अच्छे से लगाएं। 3 घंटे तक रखने के बाद गुनगुने पानी से धो लें। ये स्केल्प को पोषण देने के साथ ही बालों की ग्रोथ में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। बालों को सुंदर और काले करने के लिए आप गुड़हल के फूल के साथ अंडे का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गुड़हल के फूल या पत्तियों को पीस ले, फिर इसमें एक अंडा मिलाएं। इस मिश्रण को बालों की जड़ों तक लगाएं। इस मिश्रण का नियमित उपयोग करने से आपके बालों की खोई हुई चमक वापस आ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल को घटाएं। गुड़हल की पत्ती से बनी चाय एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी प्रभावी है। इसमें पाए जाने वाले तत्व आर्टरी में प्लैक को जमने से रोकते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। गुड़हल के फूलों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके लिए इसके फूलों को गर्म पानी में उबालकर पीना फायदेमंद होता है और आप इसकी पत्तियों से बनी चाय का सेवन भी कर सकते हैं। एनीमिया करे दूर। महिलाओं को अक्सर आयरन की कमी से एनीमिया की समस्या हो जाती है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि गुड़हल के फूल से भी एनीमिया का इलाज संभव है। आप 40 से 50 गुड़हल की कलियों को सुखाकर फिर अच्छे से पीसकर उन्हें किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद कर दें और रोजाना सुबह शाम 1 कप दूध के साथ यह पाउडर लें। सिर्फ 1 महीने में ही एनीमिया की समस्या दूर हो जाएगी और इससे स्टेमिना भी बढ़ता है। गुड़हल के फूल का सत्व दिल की मजबूती के लिए भी उपयोगी है। यह जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं जैसे कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप और मधुमेह की बीमारी में लाभ पहुंचाता है, जो हृदय रोगों का कारण बनते हैं। गुड़हल के कुछ नुकसान। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं द्वारा गुड़हल की चाय का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप किसी भी हार्मोनल उपचार से गुजर रहे हैं तो गुड़हल का सेवन नहीं करें। गुड़हल से ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है, इसीलिए कम ब्लड प्रेशर वाले लोग इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।